यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज मैं कहता हूं कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो मुद्रा योजना के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे हमारे तमाम जो इन्वेस्टर्स मीट में 60,000 करोड़ से ऊपर के हमारे उसके साइन हुआ 1.5 लाख करोड़ तक का हम लोग पहुंच चुके हैं निवेश में, वो भी रोजगार से संबंधित हमारा है। शिक्षकों के संबंध में जो प्रिंसिपल थे उनको हमने विज्ञापित कर रखा है और नए एम्स, नए आईएम्स, नए विद्यालय 205 नए विद्यालय हम खोल के 5,300 से ऊपर नए पदों का सृजन कर चुके हैं। यानी उत्तर प्रदेश में रोजगार की भरमार, ये हमारी सरकार की सफलता के रूप में आ रही है और शायद यही चिंता का समा जो वो है, चिंता का कारण उनका बना है। नैया बीजेपी की नहीं, मैं समझता हूं कि नैया उनकी डुबकी है जिनमें छेद होता है। सपा और बसपा के गठबंधन में जो विश्वास का छेद है, उस छेद के कारण इनकी नैया अधर में फंस गई है और अधर में जो नैया है वो छेद के कारण, छेद का मतलब है कि इनकी नीति में, नियत में, इनके विचारों में, इनके उद्देश्य और सिद्धांतों में विरोधाभास है। इसलिए इनकी नैया सपा और बसपा की नैया बीच मतदान में यानी विधानसभा आने से पहले ही निश्चित रूप से डूबेगी। और उन्होंने अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा, ये उनका निराशा दर्शाता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे इतना ही कुछ कहना था।